कक्षा 11 विषय राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे हैं संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे में आज हम पढ़ेंगे संविधान की सत्ता। भारत में शासन किसका है, सत्ता का अर्थ है भारत में शासन किसका है। भारत में जो शासन है वो संविधान का है, कानून का जो शासन है वो भारत में है, कानून का शासन भारत में है। इसमें संविधान क्या है, कानूनों का जो संग्रह है, नियमों का जो संग्रह है वो संविधान है। इसके साथ साथ संविधान कितना प्रभावी है, संविधान भारत में 100% प्रभावी है। भारत में संविधान 100% प्रभावी किस प्रकार से है कि भारत में शक्तियां जो विभिन्न संस्थाओं को, सरकार के विभिन्न अंगों को जो प्रदान की गई है वो संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। इसलिए भारत में संविधान 100% प्रभावी है। आगे क्या संविधान न्यायपूर्ण है, हाँ संविधान न्यायपूर्ण है। संविधान में प्रत्येक बिंदु प्रत्येक विषय को स्पष्ट करके समझाने का प्रयास किया गया है और यह बताया गया है कि किस प्रकार से भारत में न्यायपूर्ण शासन किया जाएगा। संविधान के द्वारा भारत में शासन करने का जो तरीका बताया गया है वो इस प्रकार से बताया गया है कि भारत में जो शासन होगा वो संविधान के द्वारा होगा, कानून के द्वारा होगा। जो कोई व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर विराजमान हो, संविधान जो कहता है, कानून जो कहता है, नियम जो कहता है, उसके अनुसार उसको कार्य करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति कानून के विपरीत जाकर, नियमों के विपरीत जाकर कार्य करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो व्यक्ति कितने बड़े पद पर विराजमान हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में जो सत्ता है वो पूर्ण रूप में संविधान की सत्ता है और संविधान के द्वारा ही भारत में शासन करने का कार्य किया जाता है। आगे है संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। विभिन्न देश जो विश्व के हैं वो अधिकांश जो देश हैं वो लोकतांत्रिक हैं और अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के अंदर जो शासन किया जाता है वो संविधान के द्वारा शासन किया जाता है। सबसे पहले जो उदाहरण है वो भारत का है। भारत के लोगों ने काफी लंबे समय तक गुलामी का जीवन व्यतीत किया, काफी लंबे संघर्ष के बाद में भारत को आजादी प्राप्त हुई। आजादी प्राप्त होने से पहले ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया और उस संविधान सभा के द्वारा भारत में एक अच्छा और गुणात्मक संविधान बनाने का कार्य किया गया। और वो संविधान जो भारत में 1950 में लागू हुआ था वही संविधान 2020 में भी है और उस संविधान को बदलने की या नया संविधान बनाने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। दूसरा है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने भी काफी लंबे समय तक संघर्ष किया, नस्ल वेद की जो भावना है उसको सहन करने का कार्य किया। एस वेद जो लोग हैं दक्षिण अफ्रीका के, उनके ऊपर अंग्रेज हुकूमत के द्वारा काफी अत्याचार किए गए। अत्याचार करने के बाद भी उन्होंने काफी संघर्ष किया, आजादी प्राप्त हुई और आजादी प्राप्त होने के बाद में ऐसा संविधान बना जिसके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जातिगत और नस्लगत जो भेदभाव है उसको समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद में नाम आता है विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका का। अमेरिका के अंदर भी आजादी के बाद में संविधान बना। संविधान में पहले वहां पर एस वेद लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन फिर बाद में एस वेद लोगों ने लंबा संघर्ष किया और एस वेद लोगों को वहां पर अधिकार प्राप्त हुए और सभी लोग संविधान लागू होने के बाद में उस देश के, चाहे भारत हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो, सभी देश के लोगों ने उस संविधान के अनुसार कार्य करना स्वीकार किया और उस संविधान के अनुसार कार्य किया। भारत में संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा के द्वारा किया गया। पहली बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और काफी लंबे समय तक संविधान निर्माण का कार्य चला। 26 नवंबर 1949 को संविधान को बनाकर अंगीकृत कर लिया गया और दृढ़ संकल्प किया गया कि हम सभी भारत के लोग इस संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। इस प्रकार से संविधान प्रचलन में आता है और भारत में भी आया। आगे है संविधान के मौलिक प्रावधान। संविधान के मौलिक प्रावधानों में दो बातें शामिल करने का कार्य किया गया, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। भारत में जो लोग संख्या में ज्यादा है होते हैं वो बहुसंख्यक और जो लोग संख्या में कम होते हैं वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। भारत में भी इसी प्रकार का कार्य किया गया। भारत में किसी भी व्यक्ति के अंदर, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, उनमें किसी भी तरह की द्वेष का नहीं हो, सभी में सुरक्षा की भावना हो, इस बात को ध्यान रखते हुए भारत में सरकार के द्वारा कार्य किया जाता है और सभी लोग
बिना किसी व्यक्ति कार्य कर सके। यह जो कार्य है, यह जो गुण है, भारतीय सभी लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। आगे संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, भारतीय संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन करने का कार्य किया गया है, बैलेंस संतुलन स्थापित करने का कार्य किया गया है, सरकार को शक्तियां दी गई है, सरकार के जो तीनों अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को शक्ति प्रदान करने का कार्य किया गया है, और उनसे अपेक्षा की गई है कि तीनों अंग किसी भी अंग के कार्य में दखल देने का कार्य नहीं करेंगे, और उसी का परिणाम है कि भारत में सरकार के जो तीनों जो अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, और भारत में शासन और प्रशासन ठीक ढंग से चल रहा है। ऐसा चाहे सन 1950 संविधान लागू होने के बाद में 2020 तक भारत की छवि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की है, और लोकतांत्रिक राष्ट्र कब बन पाया, जब भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था की गई। अब इसमें हमको एक प्रश्न करना है, होमवर्क का, कार्य का, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है, समझाइए। सभी बहने इसको कॉपी में करेंगे।